नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार मुंब्रा बाईपास पर हादसे हो रहे हैं। ज्यादातर हादसों की वजह मुंब्रा बाईपास का आधा अधूरा काम है। ना ही इस बाईपास पर स्ट्रीट लाइट लगी है और ना ही कोई सुरक्षा दीवार है, जिसकी वजह से आए दिन इस बाईपास पर हादसे हो रहे हैं। बाईपास पर अब तक लगभग 130 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मृतकों के आत्मा के शांति के लिए तथा इस बाईपास पर और किसी की जान ना जाए, इसलिए लाइफ इन लाइट एनजीओ ने बाईपास से सटे गांव देवी की मस्जिद मुसन्ना में कुरान खानी कराई और दुआ मांगी। इस बारे में हमने बात की लाइफ इन लाइट की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र के सगुफ्ता साकिर मोटर वाले से। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। हम लोग ने लाइफ एंड लाइट से कुरान खानी का और दुआए खैर का प्रोग्राम रखे थे, जो बच्चों के, जो औरतों के, जो बड़े बूढ़ों के जो बाईपास पे हादसे होते हैं, उसके लिए हम चाहते थे कि थोड़ा शांति रहे और दुआए खैर का प्रोग्राम रखे, जिससे जो मरने वाले हैं उनको भी थोड़ा तकलीफ ना हो। जैसे गुप्ता मोटर वाला ने बताया कि इस बाईपास पर जितने भी लोगों की मौत हुई है, उन सब के लिए दुआ मांगी गई, साथ ही आने वाले दिनों में इस बाईपास पर किसी की मौत ना हो। मोटर वाला ने यह भी कहा कि हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस बाईपास पर सुरक्षा दीवार और स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।